Hello everyone, welcome you all to EMCIQ. Today we are going to learn letter. So how to write a letter? So today we are going to learn with the format. So format आपकी help करेगा कि हम letter किस प्रकार लिखें, और इसमें यहाँ पर आपको benefit ये है कि इसमें केवल format के according अगर आपको लिखना आता है तो आप कोई भी letter कर सकते हो. लाइक फॉर्मेट आपको पता है और क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और आपने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, बस थोड़ी सी समझ चाहिए होती है, वो आज मैं आपको देने वाला हूँ. ओके, तो सबसे पहले हम फॉर्मेट डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद लेटर कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बताता हूँ. वैसे मैं जो फॉर्मेट यहाँ पर लिखाने वाला हूँ उसकी एक छोटी सी पिक्चर वीडियो के साथ दिखती रहेगी. ओके, तो ये है हमारा लेटर फॉर्मेट. एक बॉक्स मैंने बना लिया है, एकदम क्या बोलते हैं इसको, लाइनिंग बेटर नहीं है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपको वहाँ पर इसके ले जाना है और बना लेना है. ओके, सो लेटर सबसे पहला हमारा टॉपिक है. तो लेटर का जो फॉर्मेट है उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले लेटर में लिखते क्या हैं. सबसे पहले लेटर में हमें पता है क्या लिखेंगे, जो हम भेज रहे हैं लेटर उसके लिए हमारा एड्रेस होना ज़रूरी है. तो सेंडर का एड्रेस सबसे पहले यहाँ पर हमें डालना होता है. तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सेंडर्स एड्रेस शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, और उसके बाद क्या लिखना है, सेंडर्स का एड्रेस हो जाएगा एक दो लाइन के अंदर, और उसके बाद हो जाएगी यहाँ पर नीचे आएगी डेट, जिस डेट को हम भेज रहे हैं. ओके, जिस डेट को हम भेज रहे हैं वो डेट लिखनी है. दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि यू हैव टू राइट द लेटर ऑन दिस डेट, तो आपको वो वाली डेट इस्तेमाल करनी है. फिलहाल के लिए ये है कि अगर हमें नहीं दे रखी तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, या फिर जिस दिन आपका एग्जाम है उसी दिन की डेट लिख सकते हैं. ओके, ये हो जाएगा. नेक्स्ट उसके बाद क्या हो जाएगा कि जो हम लेटर लिख रहे हैं वो लेटर का नंबर क्या है. लेटर का नंबर अगर आपको वही चीज़ है कि क्वेश्चन में दे रखा तो लिख सकते हैं, अदरवाइज आप कुछ भी लिख दो, है ना. तो ये हो जाएगा लेटर का नंबर. तो आप ऐसा लिख सकते हो, लेटर नंबर जो भी है अगर आपके अकॉर्डिंग लिखना है आपके अकॉर्डिंग, और अदरवाइज आप अपने रोल नंबर लिख दो, कोई दिक्कत थोड़ी है. एंड दूसरी चीज़, अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है तो आपको जो नंबर दे रखे हैं वही लिखने हैं. और उसके बाद क्या हो जाएगा कि जिसको आप भेज रहे हो उसका नाम लिखना है, यानी कि रिसीवर का नाम. रिसीव कौन करने वाला है, यानी कि रिसीवर, सबसे पहले लिखेंगे डेजिग्नेशन. डेजिग्नेशन का मतलब क्या हुआ, डेजिग्नेशन का मतलब ये हुआ कि जो आपका, जिसको आप भेज रहे हो वो किस पद पर है, सेल्स मैनेजर है, प्रिंसिपल है ना, कोई भी चीज़. सिग्नेचर, फिर उसका नाम, फिर उसका एड्रेस. ओके, और उसके बाद लिखना है यू हैव टू राइट सब्जेक्ट, कि आप किसके, एक ही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप देखो, जो भी आपको क्वेश्चन पेपर में देखा वो तो ऑब्वियसली मिलेगा ही क्वेश्चन पेपर में, और वो सब्जेक्ट आपको लिखना है. उसके बाद आपको लिखना है जो आपको मेन पॉइंट बताना है, जिसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन. ओके, तो यहाँ पर हो जाएगी मेन बॉडी, यहाँ हो जाएगी क्या, मेन बॉडी जो कि क्वेश्चन के अंदर दे रखा है. और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको लिखना है थैंक यू. ओके, आप थैंक यू लिखेंगे, उसके बाद वही चीज की मेन बॉडी लिखने के बाद आप यहाँ लिखना थैंक यू, और उसके बाद आपको लिखना है अपने बारे में, जैसे योर फेयरफुली जो भी आपका नाम है वो लिख सकते हो, जो अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चन में मिलेगा, है ना. तो यहाँ पर आपका नाम, यहाँ पर आपका नाम लिखना है, एंड व्हाट यू आर, आप क्या हैं वो भी लिखना है, आपकी डेजिग्नेशन लिख सकते हो. ओके, तो यह इस प्रकार से फॉर्मेट आपका रहने वाला है. तो इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम एक क्वेश्चन करते हैं, जो कि क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पर दे रहा हूँ और यहाँ पर उसको हम फुलफिल करने वाले हैं. ओके, तो मैं ये ध्यान में रखते हुए मिटा दूंगा, और आपको ध्यान रखना है ये फॉर्मेट स्क्रीन शॉट ले लो पहले, सबसे पहले तो स्क्रीन शॉट सबसे पहले लेना है, ले लिया आपने. ओके, क्वेश्चन यहाँ पर है कि यू आर ए प्रॉपर्टी, ओके, प्रोपरेटर ऑफ एम एस गुप्ता बुक स्टोर. ओके, एंड आपका जो
बुक स्टोर है वो है पीजी रोड डूंगरपुर। ओके अब यहाँ नेक्स्ट है कि यू वांट बल्क सप्लाई ऑफ संजीव इंग्लिश कोर्स ऑफ 12th क्लास ऑन कैश पेमेंट। आपको कुछ सप्लाई करना है ओके, और राइट ए लेटर टू मिस्टर संजीव प्रकाशन चौराहा रास्ता जयपुर ऑफ मेकिंग नेसेसरी इंक्वायरी। ओके तो यहाँ पर आपको सप्लाई के अकॉर्डिंग एक क्या लिखनी है, इंक्वायरी लिखनी है विद अ लेटर। इस लेटर फॉर्मेट में आपको वो चीज़ लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन में जो देर का उसी का अकॉर्डिंग चलना है। पहली चीज़ कि आप अपने बारे में लिखें सेंडर एड्रेस। ओके तो यहाँ पर हम सेंडर एड्रेस लिखने वाले हैं। सेंडर एड्रेस हमारा क्या है कि यू आर द प्रोप्रेटर ऑफ मिस्टर गुप्ता बुक स्टोर। तो पहली चीज़ तो सेंडर का एड्रेस ये इसी प्रकार लिखेंगे, ये हो जाएगा मिस्टर गुप्ता बुक स्टोर, मिस्टर गुप्ता बुक स्टोर, और हो जाएगा ये है पीजी रोड जो हमारे क्वेश्चन में दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। एंड ये कहाँ है, डूंगरपुर। ओके ओके आप इसको नीचे भी लिख सकते हो, वो मैं अपने अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ। और फिर यहाँ पर अगर आप अपने मोबाइल नंबर देना चाहो तो भी दे सकते हो, जैसे कि यहाँ पर अपने फ़ोन नंबर लिख दो। ओके जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ओके ये हो गया। फिर यहाँ पर एयरटेल नंबर के, फिर यहाँ पर आप डेट लिखो। डेट जो इसमें दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा है तो आप वही डेट लिख दो जो आपके एग्ज़ाम वाली डेट है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज मैं लिख देता हूँ 10 नहीं है, आज है 11 दिसंबर एंड 2021। ओके और फिर उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर लेटर नंबर, अगर दे रखा है तो बढ़िया है, नहीं है तो एक नंबर लिख दो, दो नंबर लिख दो, जो भी रोल नंबर है वो लिख सकते हो। फिर जिसको जो आप भेज रहे हो वो कौन है उसकी डेजिग्नेशन लिखनी पहले, तो वो है आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिस्टर संजीव प्रकाशन चौराहा, उनके डेजिग्नेशन है वो सेल्स मैनेजर है। ओके किसके, संजीव प्रकाशन के सेल्स प्रकाशन, और उनका नाम क्या है, उनका नाम है संजीव, मिस्टर संजीव प्रकाशन। ओके एक सेकंड, यहाँ सेल्स मैनेजर है वो, उनका नाम है मिस्टर संजीव प्रकाशन। मिस्टर संजीव प्रकाशन ओके। और उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर क्या लिखना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है। ओके सब्जेक्ट ये है अपना कि एक इंक्वायरी लिखनी, इसमें लिख रखा है कि राइट लेटर, राइट लेटर टू मिस्टर संजीव प्रकाशन एड्रेस है चौराहा रास्ता जयपुर, और जयपुर फॉर मेकिंग नेसेसरी इंक्वायरी, इंक्वायरी से रिलेटेड रखना है। तो इनका एड्रेस भी हम लिख देते हैं, इनका एड्रेस क्या है, चौराहा रास्ता जयपुर। ठीक है चौराहा रास्ता, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ क्या बोलते हैं, चांदपोल है जयपुर में, और यहाँ आ जाएगा जयपुर। ओके एंड फिर इसके बाद हो जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है इंक्वायरी। ओके इंक्वायरी अबाउट बल्क सप्लाई ऑफ, बल्क BULK
बल्क सप्लाई ऑफ संजीव प्रकाशन। ओके, वैसे इतना बड़ा नहीं लिखना चाहिए, इतना बहुत है, फिर भी आप लिखना चाहो तो इंक्वायरी ऑफ बल्क सप्लाई ऑफ संजीव प्रकाशन, बाकी इतना बहुत है क्योंकि संजीव जी को भेज रहे हो तो पता ही चल रहा है, तो ज़्यादा इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं। इंक्वायरी ऑफ बल्क सप्लाई ऑफ संजीव प्रकाशन। ओके, और उसके बाद क्या है, अब हमको लिखनी पूरी बॉडी, मतलब किससे रिलेटेड हम करते हैं, तो उससे पहले आप डियर सर तो लिख ही दें। एक सेकेंड, हमारे इंक कंप्यूटर यहाँ लिखोगे डियर सर। ओके, डियर सर, अगर मैम है तो मैम, पर संजीव जी का नाम सुनते ही लड़का ही लग रहा है, और ठीक है तो इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, ये है, इसी के नीचे आपको लिखना है, ठीक है, पूरी मेन बॉडी। और मेन बॉडी का लिखोगे जैसे कि आप इंक्वायर कर रहे हो, बस अब ये मेन चीज़ हो गई, मेन चीज़ तो हमने सब्जेक्ट देख लिया, अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा आपको सोचना है, अपने अकॉर्डिंग लिख लेना है। ओके, जरूरी नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ वही आएगा, मतलब क्वेश्चन वही आएगा, और आपके पासबुक में चाहे कितना भी क्वेश्चन हो वो सेम क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस थोड़ा सा आपको सोचना होता है। अगर आप सप्लाई कर रहे हो, सॉरी इंक्वायरी कर रहे हो बल्क सप्लाई के लिए, तो जितना आप मंगाओगे उतना आएगा, मतलब आप ही को सोचना है कि कितना मंगाना है, उसके अकॉर्डिंग काम करना है। ओके, तो यहाँ पर लिखा गया कि वी वांट 21,000 संजीव इंग्लिश कोर्स फॉर 12th क्लास बाय 21st जुलाई, द एडमिशन मस्ट बी 2021 में जो नहीं होनी चाहिए, एंड वी विल मेक कैश पेमेंट, वी वुड लाइक टू नो योर टर्म एंड कंडीशन एंड वेदर यू कैन सप्लाई द अबाउ सिटी और नॉट। ओके, आई वेटिंग टू हियर फ्रॉम यू सून। ओके, मतलब इन्होंने लिखा कि हमें कितने बल्क चाहिए, 1000 बल्क चाहिए भाई साहब, तो इन्होंने लिखा कि वी वांट टू 21,000 संजीव इंग्लिश कोर्स फॉर 12th क्लास बाय 21st जुलाई, मतलब हमें 21 जुलाई तक संजीव प्रकाश की, मतलब संजीव प्रकाशन की जो कोर्स है 12th क्लास के लिए वो चाहिए, कितना, 21,000। अब इसमें क्वेश्चन में ये चीज़ नहीं दे रखी, या आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हो। ओके, तो हम हमारे अकॉर्डिंग बनाते हैं, अब ये मेन बॉडी है, ठीक है, इसी के नीचे है डियर सर हमने लिख दिया है, उसके बाद हम लिखेंगे वी वांट, एक सेकेंड है ना, वी वांट, थोड़ी सी स्याही डाल देते हैं, इंक्रीज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द मार्कर, ये सुनो, दैट इज व्हाई इंक इज नेसेसरी, नहीं इंक इज कंपल्सरी इन द मार्कर, सो जो चीज़ कंपल्सरी होती है उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, नेसेसरी होती है उस पर कम ध्यान देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, जैसे कंपल्सरी हिंदी और इंग्लिश तो चाहे पता है एक कॉलेज चले जाओ तो भी रहेगी, किसी भी क्लास में चले जाओ रहना ही है। ओके, वी वांट, अब कितना भी लिख दो, अगर आपको हिंदी में लिखना, हिंदी में सॉरी मैथ्स मैथ्स लिखो 1000 ऐसे लिखो तो भी चलेगा, और इंग्लिश में 1000 लिखो तो भी चलेगा, तो ऑब्वियसली अगर आप इंग्लिश लिख रहे हो तो उसको थोड़ा ध्यान रखें, 1000 संजीव इंग्लिश कोर्स ऑफ 12th क्लास, वैसे क्लास 12th लिखना चाहिए, यहाँ पर इसने भी गलती कर दी है, क्लास 12th लिखना चाहिए, देखो ऐसा बोलते हैं क्लास फर्स्ट, क्लास सेकेंड, क्लास थर्ड। ओके, अब उसको उल्टा बोलो, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, ये क्या बात हुई, थर्ड क्लास कौन समझते हो, हम बोलते हैं ये तो थर्ड क्लास है, मतलब बेकार है एकदम, तो ध्यान रखें कि क्लास पहले बोले ऐसा वरना गलत हो जाता है, वो इंग्लिश टर्म के अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा, फिर वो तो क्लास निकाल देंगे, क्लासिफिकेशन हो जाएगा, फिर तो फर्स्ट क्लास मतलब अच्छा है, सेकंड क्लास मतलब ठीक ठाक, थर्ड क्लास तो बिल्कुल गया बिकता, इसको बोलते बेकार है ना, तो ध्यान रखें कि क्लास पहले लिखें, फिर जो भी आपकी कक्षा है उसके अकॉर्डिंग लिखें, तो क्लास 12th, ओके बाय, जब भी आप मंगाना चाहो बाय
20th जनवरी ओके मतलब आपको 1000 संजीव इंग्लिश कोर्स की बुक्स चाहिए 20 तारीख तक। ये आप इंक्वायरी में एप्लीकेशन लिख रहे हो इंक्वायरी के रूप में ओके। और साथ में आप पेमेंट कैसे करोगे, ऑनलाइन करोगे कैसे करोगे वो थोड़ा आप सोचना है। जैसे कि हम लिखेंगे वी विल पे यू ऑन COD यानी कि कैश ऑन डिलीवरी। आप शॉर्टकट भी लिख सकते हैं COD, सब समझते हैं COD, कैश ऑन डिलीवरी भी लिख सकते हैं, बाकी कैश ऑन डिलीवरी कैश ऑन डिलीवरी लिख सकते हैं, पे POD भी लिख सकते हैं, पेमेंट ऑन डिलीवरी ओके। ये हो गया। सो वी वुड लाइक नो योर टर्म्स एंड कंडीशन, वी वुड लाइक टू नो, वी वुड लाइक टू नो, हम जानना चाहेंगे, क्या जानना चाहेंगे कि आप जो सप्लाई करते हो किस प्रकार सकते हो, उसको ध्यान में रखते हुए हमें ऑर्डर करना है। बस आप वो उसी की इंक्वायरी ले रहे हैं हमें ना। योर टर्म्स टी एंड सी भी लिख सकते हैं, टर्म एंड कंडीशन ओके, बाकी टर्म एंड कंडीशन लिख दो, टर्म्स एंड कंडीशन ओके। ये हमने लिख दिया, बस इतना सा लेटर लिखना है, फिर लास्ट में आप लिख देंगे कि वेटिंग टू हियर फ्रॉम यू। हाँ मतलब अवेटिंग मतलब इंतजार करेंगे कि आपकी रिप्लाई आए जल्द ही, अवेटिंग टू लिसन फ्रॉम यू, हियर नहीं सुन, लिसन सही रहेगा, लिसन लीजिए, सून भी लिख सकते हैं कि मतलब जल्द ही आपसे जो भी हम पूछ रहे हैं इंक्वायरी उसको जानने को मिलेगा, ये हम टैग लिख सकते हैं ओके। और फिर आप नीचे लिख सकते हो थैंक यू ओके। तो मैं इस बल्क ऑफ सप्लाई को मैं इधर एडजस्ट कर देता हूँ, यहाँ लिख देंगे थैंक यू, और नीचे अपने से लिख देंगे जैसे कि अगर हम जानते हैं तो हम लिख देंगे योर फैथफुली ओके। अगर नहीं जानते हैं तो वैसे तो वहां योर फैथफुली लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है, योर फैथफुली या फिर जो भी आपको सही लगे, योर फैथफुली, योर ओबिडेंटली ओके, योर कस्टमर, मतलब जिस प्रकार से योर व्यूअर, योर क्या कहें, योर कस्टमर कंज्यूमर, जो भी आपको लिखना लिख सकते हैं, लेकिन योर फैथफुली ठीक है। और उसके बाद जो भी आपको, जो भी आपको जैसे आपका नाम दे रखा ना, यू आर प्रोप्रेटर ऑफ द मैच मिस्टर गुप्ता बुक स्टोर, तो वही चीज यहाँ जो लिखी हुई आपने ये यहाँ एड्रेस के लिए लिखते हैं, बाकी जो मेन नाम लिखना होता है नीचे लिखना होता है ओके। तो यहाँ आप लिख दो, तो योर फैथफुली फॉर मिस्टर गुप्ता बुक स्टोर है ना, मिस्टर गुप्ता बुक स्टोर बुक स्टोर। और फिर यहाँ आपको लिखना है आपका नाम, जो भी आपका नाम है ओके। आपका नाम इसमें यू आर प्रोप्रेटर ऑफ, मतलब आप इस प्रोप्रेटर हो किसके, गुप्ता बुक स्टोर के, लेकिन इसमें आपका नाम नहीं दे रखा है तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं ठीक है। ये हो गया बुक स्टोर, एंड यहाँ लिख दोगे आपका नाम, जैसे मैं लिख देता हूँ मिस्टर राज, ये नाम हो गया मेरा ठीक है, यह नाम लिख देंगे और नीचे लिख देंगे प्रॉपर्टी टर, क्योंकि आप प्रॉपर्टी टर हो किससे, इस दुकान के
सॉरी बुक स्टोर के दुकान नहीं बोलेंगे हम, बुक स्टोर ही बोलेंगे। तो यहाँ लिख देंगे प्रोप्रिएटर, ये नीचे लिख देंगे। क्या आया? ओके, तो एज पर क्वेश्चन हमने ये पूरा फॉर्मेट देखा है। एक बार वापस इस क्वेश्चन को आप देखो, यू आर द प्रोप्रिएटर मिस्टर गुप्ता बुक स्टोर पीजी रोड डूंगरपुर, यू वांट अ बल्क ऑफ सप्लाई ऑफ संजीव इंग्लिश कोर्स ऑफ ट्वेल्थ क्लास नहीं बोलते हैं, ये हमेशा ध्यान रखें, क्लास ट्वेल्थ बोलते हैं। ओके, एंड फिर यहाँ पर आपने लिख रखा है ऑन कैश पेमेंट। अब पेमेंट कैश करोगे तो हमने यहाँ पर लिखा भी था कि वी विल पे यू ऑन कैश ऑन डिलीवरी, मतलब जब डिलीवरी हो जाएगी तब कैश कर देंगे। और उसके बाद क्या हो जाएगा, हाँ उसके बाद ये लिख रखा है राइट लेटर टू मिस्टर संजीव प्रकाशन। तो ये हमने यहाँ पर संजीव प्रकाशन के सेल्स मैनेजर हैं उनको हमने लिख दिया, सेल्स मैनेजर आप जो भी लिखना है लिख सकते हो, सीईओ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और उसके बाद लिख रखा है कि फॉर मेकिंग नेसेसरी इंक्वायरी, इंक्वायरी लिख रहे हैं बस। तो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट क्या लिखा है, इंक्वायरी ऑफ बल्क सप्लाई ऑफ संजीव प्रकाशन इंग्लिश कोर्स फॉर ट्वेल्थ। तो इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, सब्जेक्ट छोटा होना चाहिए एंड थोड़ा सा सही होना चाहिए। तो बल्क ऑफ सप्लाई, तो बल्क ऑफ सप्लाई किसका होगा, ऑब्वियसली बुक का ही होगा। एंड फिर हम लिखेंगे डियर सर, अगर मैम होते, अगर यहाँ पर संजीव जी नहीं, संजीव नी जी होते हैं तो हम यहाँ पर डियर नहीं डियर मैम लिखते, डियर सर नहीं लिखते, है ना। फिर जो हमें लिख, ये हमारा इमेजिनेशन, इमेजिनेशन मतलब हमारे अकॉर्डिंग लेटर को सेट करते हुए लिखना। फिर हमने क्या लिखा, वी वांट 1000 संजीव इंग्लिश कोर्स ऑफ क्लास 12th बाय 20 जनवरी, हमें 20 जनवरी तक एक 1000 संजीव इंग्लिश कोर्स चाहिए, ये हमने लिखा है यहाँ पर। ये इसमें नहीं दे रखा पेपर क्वेश्चन के अंदर, वो अपने अकॉर्डिंग सोचना लिख लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। और फिर वी विल पे यू ऑन कैश, और हम कैश पे करेंगे, ये आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ था तो हमने यहाँ लिख दिया। क्वेश्चन में जो लिखा है उसको ध्यान में रखोगे तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा, फॉर्मेट तो आपको समझ में आ ही गया है। एंड वी वुड लाइक टू नो योर टर्म एंड कंडीशन, हम आपके टर्म एंड कंडीशन जानना चाहेंगे कि आप किस प्रकार से सेल करते हैं, कब तक डिलीवरी पहुँचा देते हैं, और अवेटिंग टू लिसन फ्रॉम यू सून, मतलब हम आप से सुनने का हम इंतजार करेंगे, आप इसका रिप्लाई दो उसके लिए। और फिर नीचे लिख दिया थैंक यू एंड योर फेथफुली मिस्टर गुप्ता बुक स्टोर, वहाँ के जो मिस्टर बुक गुप्ता स्टोर की तरफ से जो लिख रहे हैं उनका नाम है मिस्टर राज, और वह क्या है वहाँ के प्रोप्रिएटर। ओके, तो ये क्वेश्चन में दे रखा था क्योंकि यू आर ए प्रोप्रिएटर, तो आप अपना नाम भी लिख सकते हैं एग्जाम में और कुछ और भी नाम लिख सकते हैं। तो ये है फॉर्मेट। उसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन हो, एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, आप घर पे बैठ के कर सकते हैं। क्वेश्चन है ए प्रोप्रिएटर ऑफ दंग्याज एंड सन्स। ओके, डंग्याज एंड सन्स। ओके, राइट अ लेटर टू मैनेजर, मैनेजर को लेटर लिखना है, और मैनेजर कहाँ का, इलाहाबाद बैंक का है। ओके, एंड टू इंक्वायरी टू फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ पर्टिकुलर फर्म, फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ पर्टिकुलर फर्म से रिलेटेड हमें इंक्वायरी लेनी है, कोई दिक्कत नहीं। पहली चीज़ तो ये है कि एज ए प्रोप्रिएटर मिस्टर रंग्याज एंड सन्स। ओके, यहाँ पर ऐसा नहीं बता रखा कि व्हाट यू आर, ओके, बट ये जरूर बता रखा है कि आप किसकी तरफ से भेजना है। और तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो हमें क्या लिखना है, सेंडर्स एड्रेस। तो यहाँ पर एड्रेस लिखेंगे, और एड्रेस आप कुछ भी लिख सकते हो क्योंकि पर्टिकुलर हमारा एड्रेस इसमें दे नहीं रखा है क्वेश्चन के अंदर, तो आप कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ लिख देंगे हम कुछ भी, जैसे कि मानसरोवर सिटी मेन मार्केट जयपुर हो गया। और उसके बाद में लिख दोगे जो जिस डेट को आप लिख रहे हो, तो यहाँ पर डेट लिख देंगे जिस दिन एग्जाम देंगे, और वहाँ पर आगे लिख रखा है कि आपको किसको भेजना है, द मैनेजर ऑफ इलाहाबाद। तो यहाँ लिख देंगे सेल्स मैनेजर का सिर्फ डी मैनेजर, और यहाँ लिख देंगे इलाहाबाद बैंक, और उसके नीचे जहाँ ब्रांच है, ब्रांच ऑब्वियसली हम जयपुर से लिख रहे तो जयपुर ही होगी, तो ब्रांच लिख देंगे
और ब्रांच जयपुर, ओके। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे इंक्वायरी ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ओके, फाइनेंशियल पोजीशन हो गया। फिर नीचे लिख देंगे डियर सर और मैम, क्योंकि मैनेजर साहब का नाम नहीं लिखा हुआ, मैनेजर गर्ल्स भी हो सकती है, बॉय भी हो सकती है ना, तो वो लिख देंगे। फिर यहाँ पर आपको उसकी पोजीशन जानना है, मतलब जो भी आपको जानना है फॉर्म से रिलेटेड पर्टिकुलर जानकारी, तो हम लिख सकते हैं। तो वी वांट टू नो द रेफरेंस ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ पर्टिकुलर फॉर्म दैट वी कंसिडर दैट अ ग्रेट फेवर ऑफ यू वुड काइंडली स्टेट, वो इसमें कुछ भी लिखा है। तो हमें क्या जाननी है इंक्वायरी में, कि फाइनेंशियल पोजीशन जाननी है पर्टिकुलर फर्म से रिलेटेड, तो हम लिखेंगे वी वांट टू नो द पोजीशन ऑफ फाइनेंशियल फर्म इन अ पर्टिकुलर वे, एंड वी वुड लाइक टू गेट रेफरेंस फ्रॉम इलाहाबाद बैंक, एंड आई मीन वी वुड थिंक दैट यू वुड बी प्रोवाइडिंग इट टिल सून, ओके। एंड लास्ट में लिख देंगे awaiting to get your response soon, और नीचे लिख देंगे थैंक यू, एंड यहाँ लिख देंगे योर फेयरफुली, नीचे लिख देंगे फोर। अब यहाँ लिखा एज ए प्रोप्रेटर ऑफ डंग्याज एंड सन्स, तो यहाँ लिखेंगे डंग्याज एंड सन्स फोर डंग्याज एंड सन्स, यहाँ पर जो भी नाम नहीं दे रखा आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, और नीचे लिख देंगे मैनेजर या फिर प्रोप्रेटर, ओके। तो ये था लेटर टर्म। सो इस वीडियो में हमने क्या सीखा है, लेटर, ओके। सो टिल देन बाय बाय, थैंक सो मच, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या सीखने वाले हैं।